काम करो। मोदी चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काम करो, काम करो, काम करो। चलो आप अकेले। जय हिंद। कैसे हैं आप? आजा आजा आजा। हमारे साथ उदित राज जी हैं, पूर्व सांसद हैं। आप सर इस समय लाइव हैं दिल्ली की जनता से। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर मैं चाहूंगी आप कुछ कहें। इस देश की जनता को जिस तरह से लूटा जा रहा है, जीएसटी भी दे दे, इनकम टैक्स भी दे, सेस टैक्स भी दे, सर्विस टैक्स भी दे, कितना टैक्स वसूलेंगे? लगभग 22 लाख करोड़ रुपया देश की जनता का टाका मार चुके हैं डीजल और पेट्रोल में मोदी सरकार। अब मोदी सरकार जनता को ही मारना चाहती है तो एटम बम की बारिश ही कर दे, मर जाए। इस तरह की हालत कर दिया है इस सरकार ने। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी तेज है, कैसे लोग जी रहे होंगे? और इस सब के ऊपर इतना महंगा कर देना डीजल और पेट्रोल, और कमाई करना, कोई सरकार जनता से कमाई करती कि जनता को देती? तो ये ऐसी सरकार है, जनता को भी सड़क पर उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में लगातार लड़ रही है, लेकिन देश की जनता को भी सड़क पर आना चाहिए। मार तो उसके ऊपर पड़ रही है। दिल्ली के 400-500 लोग अभी लाइव, आप सभी ने सुना कि कांग्रेस इस समय दिल्ली की जनता की लड़ाई को लेकर आंदोलित है। पूरी तरह आप देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली और देश के करोड़ों लोगों की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लड़ाई लड़ रही है। मैं आप सभी से कहूंगा जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, विपक्ष नहीं है, मैं दिखाना चाह रही हूँ वो विपक्ष आज भी सत्ता के गलियारों में सोती हुई सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर है। मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, मीडिया ये सच्चाई नहीं दिखाएगा। इनका ये कहना है बढ़ती महंगाई से कांग्रेस को परेशानी है, दिल्ली और देश के लोगों को परेशानी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को कहना चाहूंगी, देश की करोड़ों आबादी को कहना चाहूंगी। ये देखिए, हम लोग पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ पहुँचे हैं, उनसे मिलने पहुँचे हैं, एक मेमोरेंडम देने पहुँचे हैं, और मेरे पीछे आप पुलिस छावनी लोकतंत्र में इस तरीके से, लोकतंत्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तानाशाह सरकार लोगों को मिलने से मंत्री जी से रोका जा रहा है। मैं दिखाना चाहती हूँ ये दृश्य। ये कांग्रेस है, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली की कांग्रेस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को जगाने आई है। आप देख सकते हैं पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगने आए, हम दिल्ली की 2 करोड़ आबादी और देश की 134 करोड़ आबादी जो बेरोजगारी और महंगाई की शिकार है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी से धर्मेंद्र प्रधान जी से न्याय मांगने आए हैं। ये कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस तब तक सड़कों पर रहेगी, आंदोलित रहेगी जब तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को 100 बार हो चुके हैं कम करके राहत नहीं दी जाएगी। हम इस तानाशाही के खिलाफ, हम इस लाठियों के खिलाफ, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, हम उन्हें ये गुलाब का फूल देकर, हम उनसे प्यार से गांधीवादी तौर तरीकों से बिना हिंसक हुए अपनी बात को आज रखने आए हैं। लेकिन पुलिस की एक पूरी फौज बनाकर लोकतंत्र की उठती इन आवाजों को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दिल्ली को पता लग सके विपक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता लग सके।
सके। वो विपक्ष है जो दिल्ली की जनता, देश की जनता की महंगाई में, बेरोजगारी में लड़ाई को सड़कों पर लड़ रहा है। मैं सभी से निवेदन करूं, इस वीडियो को शेयर करिएगा और हम जेल जाने को भी तैयार है। ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचने तक हम यही डटे रहेंगे और जेल जाने को भी तैयार है। मांग रहे पेट्रोल डीजल के दामों को तुरंत कम कीजिए और साथ में बेरोजगार युवाओं को समय रहते आपको रोजगार देना होगा। ये तानाशाही नहीं।